आत्मज्ञान सहजता से कैसे प्राप्त हो। देखिए, जब आप रात को सोते हैं, नींद में होते हैं, तो सारा दृश्यमान जगत आपके लिए नहीं होता है, विलुप्त हो जाता है। यानी कि उस वक्त आप एक एकात्म स्थिति में रहते हैं, यानी कि सारे जगत जो अस्तित्व, पूरे अस्तित्व के साथ आप एक हो जाते हैं। आपकी अहम वृत्ति नहीं रहती है, ना ही आपका घर, ना आपका नाम, ना आपका शरीर, आपके बच्चे, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत की भान होती है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी उस वक्त होता ही नहीं है। जब वापस आप उठते हैं, तो आपकी ये जो शरीर एक डिवाइस की तरह है, फिर से सिग्नल कैच करने लगता है जागृत अवस्था में आकर। आपकी जो चेतना है, क्या मैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी ऑफिस, मेरी नौकरी, जैसे नींद से आते हैं, फिर से ये आपकी जो शरीर रूपी, इसको डिवाइस समझ सकते हैं, और इसके अंदर जो चेतना वो जागृत अवस्था में आकर ये प्रकृति की सारे सिग्नल्स को कैच करने लगता है और अपनी पहचान इन प्रकृति की वस्तुओं के साथ कर लेता है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे ये मोबाइल है। इस मोबाइल को अगर हम स्लीपिंग मोड में रखते हैं तो ना फोन कॉल्स आएगी, ना फोन कॉल्स जाएगी, ना मैसेजेस आएगी, ना मैसेजेस जाएगी, कोई नोटिफिकेशंस भी नहीं आएगी, ना कुछ नहीं होगा। मोबाइल के अंदर कुछ काम हो सकती है, जैसे कि नंबर देखेंगे, सर्च करेंगे किसका नंबर सेव है, किसका नहीं। मोबाइल के अंदर ये जो कुछ फंक्शन है उसे हम चला सकते हैं, लेकिन बाहर किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब मोबाइल स्लीपिंग मोड में है। तब जब स्लीपिंग मोड हटा देते हैं तो यही मोबाइल बाहर टावर के सिग्नल्स को कैच करता है और कैच करके सारे काम प्रकृति में जो विद्यमान है दूर से दूर, उस मोबाइल से कनेक्टेड सिग्नल्स उनको कैच करने लगता है मोबाइल और अपना काम करता है। लेकिन जब स्लीपिंग मोड में होता है तो नहीं करता है, लेकिन मोबाइल के अंदर के कुछ फंक्शंस को हम चला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप निद्रा अवस्था में होते हैं तो आपके अंदर जिसे श्वास की गति का आना जाना, या आप मोबाइल इसे समझ सकते हैं, इसके अंदर के कुछ बेसिक फंक्शंस स्वतः चलती है, बेसिक चीज़ें काम करती है। जब स्लीपिंग स्टेट में है तो, लेकिन इस प्रकृति के साथ कोई आपका लगाव नहीं होता है निद्रा अवस्था में होते हैं तो, प्रकृति की कोई भी चीज़ का बोध नहीं होता है, ना ही इस चीज़ का बोध है कि मैं सो रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस घर में हूँ, मैं इस बेड पे हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, माता पिता है, मेरे काम है, यहाँ की कोई भी
वस्तु से आपका लगाव नहीं होता है, उसका बोध नहीं होता है, ना ही कोई विचार होता है जब निद्रावस्था में होते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ से आप कनेक्ट नहीं होते, कोई भी चीज़ का सिग्नल्स आप कैच नहीं करते हैं। लेकिन जब आप नींद से, उस स्टेट से जागृत अवस्था में आते हैं, तो आप प्रकृति के बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को अटैच कर लेते हैं। ये मैं हूं, मेरा नाम ये है, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे मम्मी पापा, मेरे ऑफिस, मेरा घर, मेरा देश। तुरंत आप यहां से लगाव बनाकर अपनी एक पहचान बना लेते हैं। तो अपनी पहचान जागृत अवस्था में प्रकृति की कोई वस्तुओं से, और वस्तुएं जो बाह्य जगत में आपको दिख रही है वो आपके आंतरिक जगत में विचारों में स्पंदन हो रही है, फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और विचारों से आप तादात्म्य कर लेते हैं और अपनी पहचान बना लेते हैं जागृत अवस्था में आकर। लेकिन ये विचार आ कहाँ से रहे हैं? उसी परम चेतना, उसी सोर्स से। वो जागृत अवस्था यानी जब मन उत्पन्न हो रहा है, मन की उत्पत्ति जब हो रहा है, तो उसी परम चेतना से ही जागृत अवस्था में आते हैं। तो मन भी, यानी कि मन भी उसी परम चेतना का ही स्वरूप है, मन भी उसी अखंड परम चेतना से निकल कर आ रहा है। जैसे जागृत अवस्था में आते हैं तो मैं, तो जैसे ये मैं आता है तो मैं से बहुत सारी चीजें का लगाव है, मेरा 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 ये मेरा वो, तो इस तरीका से मैं पहला विचार उसी परम सोर्स से और उस पहले विचार से और बहुत सारे ढेर विचार, विचारों के विचार और विचारों के एक प्रवाह, एक नदी बहने लगती है, यही है मन। तो मन भी उसी परम चेतना का एक सोर्स, जैसे सागर से लहर, तो लहर। तो जैसे जागृत अवस्था में मन का उद्भव होता है, जागृत अवस्था जैसे आते हैं तो मैं का जैसे उद्भव होता है, तो उसी मैं से तदात्म कर लेते हैं और मैं से बहुत सारी चीज़ों का लगाव जो कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, मेरा मेरा मेरा, उसी से पहचान कर लेने का नाम को भी आप अहंकार समझ सकते हैं। यही आपके दुखों का कारण है। आत्मज्ञान अगर समझना है तो इतना ही समझ ले, जो निद्रा की अवस्था में जो सब कुछ विलुप्त हो जाता है, ये जगत भी विलुप्त हो जाता है, इसका भी कोई बोध नहीं होता है, वही है आत्मज्ञान की स्थिति। वो योगी जागृत अवस्था में होते हुए भी उसी अगाढ़ निद्रा की अवस्था में होता है, वो जागते हुए भी अंदर से सोया है और सोते हुए भी जागा हुआ है। बस वही आपका स्वरूप है। इसे अपने बुद्धि से चिंतन मनन करना चाहिए, ज्ञान से इसे पकड़ना चाहिए और अंत में अपने सारे ज्ञान और समझ को छोड़ देना चाहिए और उसी में विलीन हो जाना चाहिए। अपने अहंकारों का नाश करते हुए उसी अनंत में, जो प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में सारे अस्तित्व का कुछ बोध ही नहीं होता है,
अस्तित्व के साथ आप एक होते हैं, उसी अस्तित्व में विलीन हो जाना चाहिए। चलते फिरते हुए भी उसी अस्तित्व का स्मरण करके उसी में अपनी विलीनता का निरंतर प्रयास करना चाहिए, और वह क्षण आएगा जो पूर्ण रूप से आप विलीन हो जाएंगे उसमें। चेतना की चार अवस्थाओं को आप जानते होंगे, जागृत अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में इंद्रियों से जो आप परसीव कर रहे हैं, यह जागृत अवस्था है। सुषुप्ति की अवस्था में इंद्रियों से आप कुछ भी परसीव नहीं करते हैं, ना कुछ सुनाई देता है, ना कोई टेस्ट, ना कोई स्पर्श, ना कुछ इन आंखों से देखते हैं। देखिए, जागृत अवस्था में व्हाट एवर यू परसीव विथ योर फाइव सेंसेस, इट इज योर वेकफुलनेस स्टेट। और सुषुप्ति की अवस्था में इन पंच इंद्रियों का कुछ भी काम नहीं होता है, सारी सो जाती है, कोई विचार नहीं। कॉन्शियस स्टेट में विचार होते हैं, समय का बोध होता है, जगह का बोध होता है, लेकिन सुषुप्ति की अवस्था में ये सारे खत्म हो जाते हैं। और सुषुप्ति की अवस्था में एक और कॉन्शियसनेस, दैट इज द ड्रीम कॉन्शियसनेस, स्वप्न की अवस्था है। स्वप्न की अवस्था में आपके अवचेतन मन में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वहाँ से आपके ब्रेन में एक नई फैंटेसी स्टार्ट होता है, एक नई दुनिया स्टार्ट होती है। ये भी एक वृत्ति ही है, एक चेतना के लेवल, एक वहाँ सब कुछ आपके लिए वो रियलिटी होता है जब तक आप स्वप्न में रहते हैं, वही सत्य होता है। स्वप्न टूटने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये तो स्वप्न था। लेकिन एक मेडिटेटर, एक ध्यानी, योगी, कर्मयोगी, कोई साधक ध्यान करते करते, भक्ति करते करते, जब तब कोई भी मार्ग से उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है जो कहा जाता है तुरीय अवस्था। यानी कि उस अवस्था में ये पंच इंद्रियों से जो बोध हो रहा है प्रकृति का, और इनके साथ जो हमारी तादात्म्य हो जाती है, वो सारी तादात्म्य वहाँ पर डिजॉल्व हो जाती है उस अवस्था में। जैसे गहरे नींद में जब होते हैं तो गहरे नींद में कोई भी वस्तु के साथ आपकी कोई तादात्म्य नहीं होती है, यहाँ तक कि आप कौन है इसे भी पता नहीं चलता है। ठीक इसी तरह से इस अवस्था में, तुरीय अवस्था में, कोई भी बाह्य चीज़ों की कोई भावना नहीं होती। यह अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो गहरे नींद की जो अवस्था है, जो पूरे अस्तित्व के साथ आप एक हो जाते हैं, बस तुरीय अवस्था यही अवस्था है, पूरे अस्तित्व के साथ आप एक हैं। इंद्रियों से सब कुछ भाषित होते हुए भी अंदर कुछ घटित नहीं होता है। सब कुछ करते हुए भी उसकी छाप आपके अंदर नहीं पड़ती है, क्योंकि अब आपकी अहम वृत्ति पूर्ण रूप से डिजॉल्व होकर परम चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अब आप शरीर के अंदर बाहर सर्वव्यापक, आपकी अपने व्यक्तिगत एक आइडेंटिटी जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो इसे ज्ञान मार्ग से समझकर, चिंतन मनन करकर, और अंत में सारे चिंतन मनन और समझ को छोड़कर निरंतर प्रयास करके
इसी अवस्था में अवस्थित हो जाना चाहिए। धन्यवाद।